सो गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपका कोई नॉर्मल सॉन्ग है और आपको रिमिक्सेस चाहिए तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं आपके वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर पर, या आपके पास कोई भी ऐसे रिमिक्सेस है और उसका अल्टरनेटिव रिमिक्स चाहिए तो आप कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको एक्सटेंडेड रिमिक्स चाहिए या आपको कोई क्लब मिक्स चाहिए, आपके पास बहुत सारे ऐसे रिमिक्सेस होते हैं जो कि आपको एक साथ ही देखने को वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर पर दिखने वाले हैं। इसके अलावा आप प्ले भी कर सकते हैं डायरेक्ट, तो मैं आपको दोनों मेथड बताने वाला हूँ। यदि आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आप प्ले कर सकते हैं डायरेक्ट, और इसके अलावा मैं आपको फ्री वाला मेथड भी बताने वाला हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा बट आप कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई भी प्लेलिस्ट पर सॉन्ग्स ऐड करने हैं, आप कोई भी सॉन्ग प्लेलिस्ट नहीं बना रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास यह सॉन्ग है और इस टाइप के मुझे सिमिलर सॉन्ग्स चाहिए, तो आपको वर्चुअल डीजे यहाँ भी एडवाइस करता है कि आपको पूरी लिस्ट दे देगा कि यहाँ पूरे सॉन्ग्स हैं, आप इसको प्ले कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल डीजे आपको यहाँ भी एडवाइस करता है कि जैसे कि आप यहाँ सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो उसके नेक्स्ट आप क्या सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं, उसकी भी आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो आपको इस वीडियो में मैं सब कुछ करके दिखाने वाला हूँ वह भी प्रैक्टिकली। तो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल नेचर पर आपका स्वागत है। तो आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं, तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सो गाइस, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यह मेरे पास पूरा वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर है और उसमें यह मेरे पास प्रीफ प्लेलिस्ट है, यह मेरे पास फेवरेट प्लेलिस्ट है। यदि आपको बनाते नहीं आती है तो आप मेरा वह वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और टैग कर दी है। उसमें मैंने आपको बताया है आप फेवरेट प्लेलिस्ट, वर्चुअल प्लेलिस्ट, फिल्टर प्लेलिस्ट कैसे बना सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो मेरे पास पूरी प्लेलिस्ट है, इस पर मेरे यहाँ सारे सॉन्ग है। अब मुझे अल्टरनेटिव रिमिक्सेस निकालने हैं या इसी के रिमिक्सेस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मुझे इसके रिमिक्स चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर साइड व्यू पर जाएंगे और साइड व्यू पर जाने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपने रिमिक्सेस पर क्लिक किया हुआ है नहीं, तो हम रिमिक्स पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप रिमिक्सेस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा, आप यहाँ पर देखिए आपके पास यहाँ पर सारे सॉन्ग आ चुके हैं जो भी लोनली नाम से थे। तो मुझे लगता है आपके पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है, जितने भी रिमिक्सेस होंगे आप यहाँ से ढूंढ के आप प्ले कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ और इस सॉन्ग को मैं यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है आई डी जे पुल सब्सक्रिप्शन प्लान का, इसमें आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा यदि आपको डायरेक्ट प्ले करना है यहीं से। तो आप यहाँ पर देखिए, इसकी आपको यहाँ फीस पे करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको फीस पे करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाके आपको लाइसेंस पर क्लिक कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको म्यूजिक लिखा है सब्सक्राइब टू आई डी जे पूल। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपका इस पूरा ऑप्शन खुल जाएगा, आप उस पर जो आपकी फ़ी है वह पे कर दीजिए, आपका प्लान आ जाएगा। बट आपको सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इन सॉन्ग को कैसे प्ले कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, इसमें आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर यह सारे सॉन्ग तो देखने को मिल ही जाते हैं, जो कि बहुत एक बड़ी बात है कि आपको एक साथ ही सब कुछ सॉन्ग देखने को मिलते हैं। अब इसे आप ढूंढ के डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको एक साइट बताता हूँ जिसमें यदि आपके पास यहाँ पर सॉन्ग हैं तो मोस्टली सॉन्ग आपको देखने को मिल ही जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, आपके पास बहुत सारे सॉन्ग हैं यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको इसके रिमिक्सेस चाहिए, ठीक है। जैसे कि मुझे इसका इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाएंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे माई MP3। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका साइट आ चुकी है, इसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने इतना ही लिख दिया है, उसी में यहाँ पर आपके पास आ चुके हैं। अब यदि आपको देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे सॉन्ग देखने को मिलते हैं, देखिए आपको इंस्ट्रूमेंटल डाउनलोड करना है, आपको मेन वर्जन डाउनलोड करना है, आपको कारोके डाउनलोड करना है। यदि आपने किसी ने बनाया होगा सॉन्ग तो यहाँ पर आपको जरूर देखने को मिल ही जाएगा। कुछ कुछ सॉन्ग होते हैं जो कि नहीं मिलते, बट मोस्टली सॉन्ग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पर, जैसे यह इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, ठीक है, मैं यहाँ पर प्ले कर सकता हूँ इसे और सुन सकता हूँ। तो देखिए यह आपका प्ले हो चुका है। अब इसको आपको डाउनलोड करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर जाइए, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपका ऐसा ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड का, आप इस पर क्लिक कीजिए, तो देख सकते हैं यह मेरा सॉन्ग डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो आप इस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपको डाउनलोड करना है तो। तो यह थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, बट आपको एक साथ ही सारे सॉन्ग देखने को मिल जाते हैं, इसके कौन से एक्सटेंडेड वर्जन हैं, इंस्ट्रूमेंटल वर्जन है, आपको हर सॉन्ग के जिसका कभी होगा तो आपको जरूर मिल ही जाएंगे। तो आप इस तरह से अल्टरनेटिव रिमिक्सेस ढूंढ सकते हैं और प्ले कर सकते हैं यदि आपने सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है तो। यदि आपको सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेना है तो आप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर आपकी जो प्लेलिस्ट है उस पर डाल दीजिए। मुझे लगता है आपके साथ एक साथ सारे सॉन्ग देखने को मिलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने कभी ढूंढने की कोशिश की, आपने प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश की हो तो मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम आती है। बट यहाँ से आपको बहुत सिंपल प्रोसीजर हो जाता है, आपको सारे सॉन्ग के रिमिक्सेस एक साथ ही देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपने इस पर ही क्लिक किया हो, सो अल्टरनेटिव रिमिक्सेस फॉर द सिलेक्शन सॉन्ग, सिलेक्टेड सॉन्ग।
अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर सक्सेसन प्लान सब चीज़ों का ले सकते हैं और डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। हम जैसे कि यहाँ पर आपको सिमिलर सॉन्ग चाहिए इसके, ठीक है, तो आपको खुद वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर बताता है कि इसके सिमिलर सॉन्ग यहाँ है, ठीक है। यदि आपका वीपीए में की आपको देखने को नहीं मिलती है या आर्टिस्ट का नाम देखने को नहीं मिलता, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, आपको यहाँ पर सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे बीपीएम। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक ऑफ कर देता हूँ, तो हमारे पास जो बीपीएम है वह चला गया है। आपको बीपीएम चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे तो बीपीएम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पर आपकी जो प्लेलिस्ट है वह बनी हुई हो, वो मैंने आपको बता ही दिया आपको कैसे प्लेलिस्ट बनाना है, आप वह वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, यदि आपको जैसे कि आपकी की सिमिलर है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका खुद पूछ लेगा कि आपको की वह सिमिलर करना है। यदि आपको हारमोनिकली के बारे में नहीं पता है आपको कैसे प्ले करते हैं, तो उसकी वीडियो मैंने अलग से बना दी है, तो आप जाकर देख सकते हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पर है और टेक कर दिए। बट यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी दो तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ सॉन्ग के ऊपर आप यहाँ देखिए, आपको रेड कलर का सिंबल देखने को मिलता है, ठीक है, वेब ब्राउजर जैसा। इसका मतलब यह है यह आई डी जे पूल का आपके पास यहाँ पर सॉन्ग देखने को मिलता है, तो आपको वही प्रोसीजर अपनानी है। यदि आपका पास यहाँ पर कोई भी आपका सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं है, तो आप इस सॉन्ग को वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिए। वो जो आपके पास जो नॉर्मल सॉन्ग है वहाँ तो आपके पास एवरी सॉन्ग देखने को मिल जाएंगे, आपके जो मैंने आपको साइट बताई है उस पर तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, थोड़ा सा ब्लूइश कलर है और वाइट कलर है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। आप इसको डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं क्योंकि यह आपकी प्लेलिस्ट के ही सॉन्ग है। हम यहाँ पर लुकअप पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यह आपका पूरा सॉन्ग आ चुका है, ठीक है। और इसके सिमिलर सॉन्ग कौन कौन से हैं आपके पास यहाँ पर फिर आ चुके हैं, तो इस तरह से आप डायरेक्ट प्ले कर सकते हैं सिमिलर सॉन्ग को। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास यह सॉन्ग है, ठीक है, मैंने इसका यह सिमिलर सॉन्ग को मैंने इस पर क्लिक किया, जैसे कि मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जाऊँगा, या आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। बट आप यहाँ देख सकते हैं आपको कोई भी सॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है, कोई भी सॉन्ग दिख नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा भी कर लीजिएगा, आपको यहाँ पर जो वर्डिंग है वह गलत लिखी हुई है। जैसे कि मैं यहाँ पर हटाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपके पास यह सारे सॉन्ग आ चुके हैं, ठीक है। आपको वैसे नहीं आपको देखने को मिल रहे थे, बट आपको ऐसे में देखने को मिल रहे हैं, तो आप इस टाइप की चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ पर ध्यान रखना है, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको याद रखना है कि यहाँ पर फाइल नेम, आप यहाँ पर सब चीज़ पर चेकआउट हो, जिससे आपको मतलब कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको ढूंढने में आसानी होगी आपके सॉन्ग को। तो इस तरह से आप प्ले कर सकते हैं सिमिलर सॉन्ग को। आप इसको जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, अब इसके सिमिलर सॉन्ग हमारे पास फिर से आ चुके हैं, तो आप इस तरह से प्ले कर सकते हैं आपके सॉन्ग को। इसके अलावा हमारे पास और भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि वर्चुअल डीजे खुद प्रोवाइड कराता है। हम यहाँ पर जाते हैं और हम क्लिक करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं आपका तीसरा ऑप्शन देखने को मिलता है, थर्ड ऑप्शन देखने को मिलता है, सो रिकमेंडेशन टू प्ले नेक्स्ट। इसका मतलब आपके पास आपको यह भी बताएगा आपका जो वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर है कि आप नेक्स्ट क्या प्ले कर सकते हैं, तो मुझे लगता है यह भी बेस्ट ऑप्शन है। तो एक बार आप जरूर आके चेक कीजिएगा इस वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर पर, मुझे लगता है आपको यहाँ पर बहुत सारी एडवांस लेवल की चीज़ देखने को मिलने वाली है जो कि आपकी डिजाइनिंग को बहुत ही ईजी बना देगी। और इसके अलावा जब भी आपको टाइम मिले आप एक बार जरूर चेक कीजिएगा कि यह मेरे पास जो सॉफ्टवेयर बता रहा है यह सही है या नहीं है। और आपको मैंने बताया है यदि आपको प्लेलिस्ट बनानी है तो आपके पास बहुत बेस्ट ऑप्शन है अल्टरनेटिव रिमिक्सेस का, आप चेक कीजिए, आपको हर चीज़ के रिमिक्सेस देखने को मिलते हैं, जो कि मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा बेस्ट एडवांटेज है। यदि आपको क्लब में प्ले करना है तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर रिमिक्सेस देखने को मिलते हैं। आपको इंस्ट्रूमेंटल चाहिए उसके लिए अलग से है, एक्सटेंडेड चाहिए रेस्टोरेंट में प्ले करना है उसके लिए अलग से रिमिक्सेस देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगता है एक ही सॉफ्टवेयर पर आपको पूरे प्रकार से, आप यदि आपका सब्सक्रिप्शन प्लान है भी नहीं उसके बाद भी आपको बहुत सारे फायदा देखने को मिलता है, और आपकी आप अच्छी प्लेलिस्ट बना सकते हैं। आप कैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो कि मुझे लगता है एक डीजे के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है यह ऑप्शन आपके बहुत काम आने वाला है यदि आप वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला है, तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। यदि आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।